प्रतापगढ़ जिले के लोक निर्माण उपसंभाग कसडोल के अंतर्गत पुटपुरा से दौनाझर के बीच सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा लगातार मनमानी करने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला कसडोल विकास खंड के पुटपुरा दौनाझर सड़क मार्ग का है, जिसकी मांग ग्रामीणों द्वारा वर्षों से की जा रही थी। शासन ने इसके लिए लगभग 3,50,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रामीणों के आस को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही इस सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा खेत की मिट्टी का उपयोग कर सड़क को गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक से लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़क की गुणवत्ता पर कार्यवाही करने की मांग की, तो अधिकारियों द्वारा लगातार ग्रामीणों की मांग को अनदेखा किया गया। इसके तहत ही SDO PWD कसडोल प्रबोध गुप्ता ने कहा कि शिकायत की जांच की जा रही है, हम ठेकेदार को नोटिस जारी कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि समाचार प्रकाशन होने के बाद क्या कार्यवाही होती है। बलौदाबाजार से सुरेश पुरैना की खास रिपोर्ट। उसका निरीक्षण तो किया गया था, मार्ग निरीक्षण में जो भी शिकायत या उसके संबंध में जो भी मिला था, उसको हमने जाकर ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि काम की गुणवत्ता का ध्यान रखें। तो बिना गुणवत्ता के काम को हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई भुगतान के पात्र नहीं माना जाएगा और उसको उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। पुरपुरा से दौनाझर रोड बनावा थे तो मैं पहले तो मुरू में डाला था, आसपास के खेत के मिट्टी ला ला के डाला थे। बोला बीच में बोले हैं साइड इंजीनियर बोले हैं कर साइड ठेका लेते ला तब डालेंगे भैया डालेंगे मुरू, लेकिन डाली नीचे मिट्टी ला डाल के दे अभी छोटे छोटे गिट्टी डाला थे। और वे पुरपुरा से जो दौनाझर तक बना था भैया तो अमेठी घाट तक जोड़ना जो 500 मीटर छूटा थे। कहा हमारे मुख्यालय बलौदाबाजार यहाँ से 30 किलोमीटर पर थे और पलारी 15 किलो वहाँ पलारी से 15 किलो बलौदाबाजार, तो ये हमारे वहाँ से जुड़ जाती इतना तो हमारा आवागमन आए जाए के साधन। और ये पास में हमारा एक तुरतुरिया पर्यटन है, वो भी पास पड़ती है यहाँ से बलौदाबाजार से 30 किलोमीटर तुरतुरिया पर्यटन स्थल है, माता गर्दा स्थापना है वहाँ, तो सब आए जाए में सुविधा होती। तो हमारे मन की सबसे परेशानी है और बरसात आ जाते तो पुल भी नहीं बने, सेतु पुल निर्माण होना है दोनों नाला में, तो वो भी मांग करा था वन कई साल हो गए, 75 साल हो गए बनबे नहीं कराते। फिर कर लेकिन आ जाते हैं बाढ़ तो 8 दिन 15 दिन इसने रुक जाते उनकर पढ़ाई प्रभावित होते। तो मोर कहना है ये जो अधूरा है पुरपुरा से दोनों झार 500 मीटर छूटा तेला मीठी घाट तक जोड़ देती, तो हमार मांग माननीय विधायक जी हमारे संदीप विधायक जी से निवेदन भी करत हूँ इला जोड़ा के प्रयास करें और हमारा ये आवागमन व सुविधा करे के प्रयास करें।